गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। माय सेल्फ हिमाद्री तनय प्रधान, साइंस टीचर ऑफ स्टैंडर्ड 3। इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड। वही तीनों के बारे में हम डिस्कशन किए थे। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रेटरी सिस्टम? इट थ्रोज आउट द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो कौन सा सिस्टम में रिमूव होते हैं कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में। हमारे बॉडी में जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट है लाइक स्वेट, यूरिन, वही वेस्ट प्रोडक्ट, वो सब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है वहीं से वो रिमूव होते हैं। लंग, स्किन एंड किडनी हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। हमारे बॉडी में जो 3 ऑर्गन्स है लाइक लंग, स्किन एंड किडनी, दीज ऑर्गन्स हेल्प इन रिमूविंग द वेस्ट। वो जो 3 ऑर्गन्स है वो वेस्ट को रिमूव करने के लिए हेल्प करे। व्हिच ऑर्गन? लंग, स्किन, किडनी। लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स ने वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। स्किन रिमूव्स द वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारे बॉडी के अंदर जो स्वेट है इट इज द फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर को हम क्या बोलेंगे कि स्वेट बोलेंगे। सो स्किन रिमूव द वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट वाटर है वेस्ट वाटर को हम क्या बोलेंगे कि स्वेट बोलेंगे, वो स्किन से रिमूव होता है। ज्यादा समर सीजन में हमारे ज्यादा स्वेट निकलता है कि नहीं? कहाँ से निकलता है? स्किन से निकलता है कि नहीं? किडनी रिमूव द अनवांटेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हमारे बॉडी को जितना अमाउंट को वाटर चाहिए वो उतना अमाउंट हमारे बॉडी क्या होगा कि रिसीव करेगा, और जो अमाउंट का वाटर हमारा बॉडी रिसीव नहीं होगा वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा कि नहीं? वेस्ट वाटर होगा कि नहीं? वो यूरिन फॉर्म से हमारे बॉडी से रिमूव होता है। व्हिच ऑर्गन रिमूव इट? द किडनी। किडनी रिमूव्स द वेस्ट द अनवांटेड वाटर और वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वही होगा एक्सक्रेटरी सिस्टम। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन गिविंग बर्थ टू बेबी। जो जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है कि बेबी पैदा करने के लिए हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। दिस सिस्टम इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को आगे लेने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो भी कंप्लीट हो गया। तो हमारे बॉडी आवर बॉडी हैज 8 ऑर्गन सिस्टम लाइक स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो 8 सिस्टम के बारे में हम पढ़ लें। तो नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे? एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज 4 ऑप्शन है। ओपन एयर बुक पेज नंबर 61, चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 का एक्सरसाइज है ओपन एयर बुक पेज नंबर 61। चूज द करेक्ट आंसर। द बेसिक यूनिट ऑफ आर बॉडी इज सेल। सो द करेक्ट आंसर इज सेल। द ऑर्गन दैट टेल्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन। वही है ना? व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन टेल्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या हो रहे हैं वो हमको सेंस ऑर्गन से ही पता चलेगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेंस ऑर्गन। द सिस्टम दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड इज वही सिस्टम। कौन सा सिस्टम से हमें जो खाना खा रहे हैं, हमें जो फूड खाते हैं, डाइजेस्ट हो रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द करेक्ट आंसर इज डाइजेस्टिव सिस्टम। एनी मैसेज टू द ब्रेन इज गिवन बाय नर्व्स। नर्व्स से ब्रेन को मैसेज जाता है कि नहीं? द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट गिव्स सेल्स एंड सपोर्ट टू द बॉडी इज बोन्स। ब्लड कैरिजेस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उससे ब्लड कैरी होता है एवरी पार्ट्स ऑफ आर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने सारे पार्ट्स हैं ब्लड वेसल्स से ब्लड क्या होता है कि कैरी होते हैं। नंबर ए ऑलरेडी कंप्लीट। देन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वॉट आर सेल्स? सेल्स आर द स्मॉल
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। नंबर टू, व्हिच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट, हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स blood to the two main blood vessels and blood vessels carry blood to every part of our body. Number three, why muscles are useful for us? Why? Muscles help in moving the limbs and other parts of the body. Then number four, what is the function of the digestive system? The function of the digestive system helps to digest the food. Number five, mention two ways by which skeletal system is useful for us. So number five answer is, the skeletal system gives us shapes to our body. It consists of all the bones and their joints. Bones protect the internal delicate part of our body. Oh yeah, uska function, yes or no? So the first question number we answered the following question. First one, what are cells? Cells are the smallest unit of our body, or it is the building blocks of our body. Then which organ pumps blood to the all parts of our body? Heart pumps blood to main blood vessels, and blood vessels carry blood to every part of our body. Then why are muscles very useful us? Muscles help in moving the limbs and other parts of the body. Number four is, what is the function of the digestive system? The function of the digestive system helps to digest the food. Number we already completed. The number three, name the organs of the following organ system. देखो यहाँ पे जो eight organ system है, five organ system है, वो organ system में कौन सा organ यूज होते हैं उनका आप नाम इधर लिखो. Digestive system, digestive system involves food pipe, stomach, intestine and anus. Circulatory system, heart, blood and blood vessels. Respiratory system, nose, windpipe, lungs. Nervous system, brain, spinal cord and nerves. Excretory system, lungs, skin, kidney. और ये उसका organs. Already exercise complete हुए. Exercise में वो A number क्या था? Choose the correct answer. B number is answer the following question. Already completed. Then number C, name the organs of the following organ system. Number C already complete. Then we have discussed about quick assignment. Quick assignment ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जो अंडरलाइन वर्ड को आप चेंज करके वहीं पे सही आंसर आप लिखोगे. नर्व्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. देखिए इधर नर्व्स के नीचे अंडरलाइन है, तो नर्व्स क्या ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है? नहीं. तो सो द करेक्ट आंसर इज, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आवर बॉडी. नर्व के प्लेस में आप क्या लिखोगे? सेल्स लिखोगे.
मेनी सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन, बहुत सारा सेल्स को लेके क्या ऑर्गन सिस्टम होगा। वो सेंटेंस क्या सही है, अंडरलाइन वर्ड इज सेल्स, और जो सेल्स के नीचे अंडरलाइन है इसलिए द अंडरलाइन वर्ड इज सेल्स। तो यहाँ पे सो द करेक्ट आंसर इज मेनी ऑर्गन ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो सेल के प्लेस में आप क्या लिखोगे कि ऑर्गन लिखोगे। आई ईयर नोज एंड टंग आर आवर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, हियर द अंडरलाइन वर्ड इज एक्सक्रेटरी, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज आई ईयर नोज एंड टंग आर आवर सेंस ऑर्गन। एक्सक्रेटरी प्लेस में आप क्या लिखोगे कि सेंस लिखोगे। द नर्वस सिस्टम कंप्रेजेस द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल, नर्वस के अंडर नीचे अंडरलाइन है। तो सो द करेक्ट आंसर इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्रेजेस द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, द हार्ट अब्सॉर्ब ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेस इट टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। रॉन्ग, हार्ट के नीचे अंडरलाइन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी द ब्लड अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पासेस इट टू ईच ऑफ द बॉडी। नंबर ए ऑलरेडी कंप्लीट, देन नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखो हियर सम वर्ड्स, ये सुनो, और ब्रैकेट के अंदर कुछ वर्ड्स है उन पे लेकर आप आंसर लिखें। आवर बॉडी वर्क्स लाइक ए मशीन, वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन, आई हैव फाइव सेंस ऑर्गन, ऑल्सो यू हैव फाइव सेंस ऑर्गन। तो वहीं पे जो फाइव सेंस वी हैव डैश ऑर्गन के प्लेस में आप क्या लिखोगे, फाइव लिखोगे। द हार्ट पम्प ब्लड टू द ब्लड वेसल्स, द एक्सक्रेटरी सिस्टम थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कंप्लीट हो गया नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स। देन नंबर सी मैच द फॉलोइंग, ए कलम ए पार्ट ऑफ बॉडी विद कलम बी फंक्शन। देखो कलम ए में बॉडी का पार्ट गिवन है और कलम बी में उसका फंक्शन है। सेल्स, सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्कूल, स्कूल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। लंग्स, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेन कंट्रोल द बॉडी। ब्लड वेसल, कैरी ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Then look at the picture, number D. Look at the picture and name the sense used with the help of the word given in the वो पिक्चर के देखिए इधर आप उसका नाम बताओ। सो द फर्स्ट पिक्चर इज आई, तो विंग के नीचे आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे। एंड द सेकेंड पिक्चर इज नोज, थर्ड पिक्चर इज ईयर, फोर्थ पिक्चर इज टंग, एंड द फिफ्थ पिक्चर इज पिक्चर हैंड, वो स्किन है कि नहीं। तो फर्स्ट पिक्चर का फंक्शन क्या है कि साइड, जहाँ पर आई है उधर आप साइड लिखोगे, जहाँ पर नोज है आप इधर स्मेल लिखोगे, ईयर पर आप हियरिंग लिखेंगे, टंग पर आप टेस्ट लिखोगे, स्किन पर आप क्या लिखोगे, टच लिखोगे। तो सो आपका जो एक्सरसाइज था वो भी कम डिस्कशन हो गया। तो आप क्या कहेंगे, अच्छी तरह से चैप्टर फाइव को थ्री टाइम्स घर में रीडिंग प्रैक्टिस करना, वो वहीं पे जो डिफिकल्ट वर्ड है वहीं का स्पेलिंग आप प्रैक्टिस करना है, उसके बाद वो जो एक्सरसाइज को आप अपने साइंस कप में लिखिए। थैंक यू।